हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी बेटी 12 साल की हो गई है, 13 साल की हो गई है, लेकिन आपकी बेटी को अभी तक भी पीरियड नहीं आया है, तो वो किन्नर हो सकती है। क्यों डालते हैं आप अपने बच्चों के दिमाग में ऐसी बातें, मुझे ये नहीं समझ आता। मतलब मेरी वीडियो पर इतने कमेंट मुझे देखने को मिलते हैं, उनको देखकर मैं खुद ये सोचती हूँ कि यार क्यों आप इस तरीके, मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और आपकी सोच अभी तक, मतलब इतनी छोटी छोटी बच्चों को आप इतना इस कदर डरा देते हैं कि वो फिर कमेंट मेरी वीडियो पर आकर करती है कि मैम हमारा पीरियड नहीं आया और हमने ऐसा सुना है कि अगर हमारा पीरियड नहीं आएगा तो हम किन्नर हैं। मैं स्क्रीन शॉट भी लगा दूंगी कि मुझे ऐसा सवाल यहाँ पर मिला है, इसलिए मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ। मैं आपको एक स्क्रीन शॉट लगा दूंगी कि किसी एक व्यक्ति ने ये सवाल किया है, इसीलिए मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि काफ़ी सारी लड़कियाँ हैं जिनके दिमाग पर ये सवाल होता है कि अगर 12-13 साल की एज में हमारा पीरियड नहीं आएगा तो कहीं हम किन्नर नहीं बन जाएँ। तो वो इतनी डरी हुई होती है, उनको इस तरीके से नहीं डराना चाहिए। मैं उन सभी माता पिताओं से, उन सभी लोगों से यही बोलना चाहती हूँ, पीरियड को लेकर घिन भावना मत रखिए। अपने बच्चों को समझाइए, अपनी बेटियों को समझाइए, उनको अवेयर करिए, उनको डराइए मत, क्योंकि पीरियड एक ऐसी चीज़ है जो हर लड़की की लाइफ में, हर औरत की लाइफ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ को एक औरत ही समझ सकती है, इसका दर्द एक औरत ही समझ सकती है। अगर पीरियड नहीं आता है तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है एक लड़की को, तो पीरियड का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इस तरीके से डराकर आप अपने बच्चों को मत समझाइए। पीरियड नहीं आ रहे हैं तो कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है। पीरियड टाइम पर नहीं आना वीकनेस की वजह से, आपकी बेटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है इसलिए उसको टाइम पर पीरियड नहीं आ रहा है। 13-14 साल की हो गई है लेकिन पीरियड नहीं आ रहा है, इसकी वजह उसकी कमजोरी हो सकती है, उसकी और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। आप डॉक्टर को चेक करवाइए, ठीक है। लेकिन इस तरीके की बातें अपने बच्चों के दिमाग में बिल्कुल ना डालें। और मैं क्लियर कर दूं सभी लड़कियों को, ऐसा कुछ नहीं होता है। पीरियड आने की एज होती है 12 से लेकर 18 साल तक। 18 साल की एज तक आपका पीरियड आ जाना चाहिए। अगर फिर भी नहीं आता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, वो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं पीरियड आने का। और ऐसा बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है कि हमारी उम्र 12 साल हो गई, 13 साल हो गई, अभी तक पीरियड नहीं आया, या हम 15 साल के मैम पीरियड नहीं आया, हम क्या करें, प्लीज़ हमें कुछ रेमेडी बता दीजिए। फिर अगर हम बच्चों के दिमाग में ऐसी बातें डाल दें तो बच्चे फिर वहाँ पर गलत कदम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरे पास ऐसे कमेंट आते हैं लड़कियों के कि मैडम हमारा फर्स्ट पीरियड नहीं आया, हम ये टेबलेट खा लें जिससे हमारा पीरियड आ जाएगा। बेटा, फर्स्ट पीरियड अपनी मर्ज़ी से आता है, आपको किसी भी टेबलेट की ज़रूरत नहीं है। आप वेट करिए, जब आएगा अपनी मर्ज़ी से आएगा। एज में आपको हर वीडियो में बताती हूँ, 12 से लेकर 18 साल तक के बीच में हर लड़की को पीरियड आ जाना चाहिए। नहीं आता है तो सीधा डॉक्टर के पास जाना है, कुछ भी नहीं करना, अपनी मर्ज़ी से कुछ दवाई नहीं खानी, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नुस्खा यूज नहीं करना। उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के पास होता है, वो बॉडी चेकअप करते हैं अच्छे से। चेकअप करने के बाद अच्छे से आपको बताते हैं कि कहाँ कमी हो रही है, किस जगह क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। उसको हम कुछ नहीं बता सकते हैं, तो इस तरीके की बातें आप बिल्कुल भी ना बताएं अपने बच्चों को पीरियड के बारे में। अपनी बेटियों को अच्छे से समझाएं, अब ज़माना बदल चुका है। वो टाइम था एक जब हम पीरियड के बारे में किसी से खुलकर बात नहीं किया करते थे, लेकिन अभी का दौर अलग है, हमें इस टॉपिक पर बात करनी पड़ती है। मैं इतनी वीडियोज इस टॉपिक पर इसीलिए बनाती हूँ क्योंकि लड़कियाँ अपने घर वालों से, अपनी मम्मी से, दीदी से बात नहीं कर पाती है। वो आकर मुझे सवाल करती है, मैसेज करती है, इंस्टा पर मुझे मैसेज करती है, तो इसीलिए मैं इस टॉपिक पर वीडियोज बनाती हूँ ताकि लड़कियां मुझसे पूछ सकें। गलत कदम उठाने से अच्छा है वो किसी के पास जाकर पूछें और सीखें उस चीज़ को, या फिर वो लड़कियां अपनी जो फ्रेंड्स होती है उनको, वो भी उसी एज की छोटी छोटी होती है तो उनके पास इतना दिमाग नहीं होता है, तो बच्चे ना कुछ खुरापाती दिमाग लगा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश कर लेते हैं। तो आप अपने बच्चों को समय रहते समझा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा, पीरियड आपके आ जाएंगे। हर माँ की, हर पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों को अच्छी तरीके से समझाना, अच्छी तरीके से गाइड करना पीरियड से रिलेटेड बातों के लिए। शर्माइए मत कि हाँ अभी तो मेरी बेटी बहुत छोटी है और पीरियड के बारे में उसको बताना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। बेटी अगर आपकी 11-12 साल की है तो उसकी एज है, आपको उसको बताना पड़ेगा कि आपके पीरियड आने वाले हैं और आपके पीरियड आने से पहले क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आप उसको समझाइए। अगर पीरियड नहीं भी आता है, क्योंकि होता यह है कि मान लीजिए दो फ्रेंड हैं, एक का पीरियड आ गया, दूसरे का नहीं आया, तो दूसरे के दिमाग में यही चलता रहता है कि उसका आ गया, मेरा क्यों नहीं आया। उस केस में आप माँ हैं, आपको समझाना चाहिए कि किसी को जल्दी आता है, किसी को लेट आता है, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बच्चों के माइंड में बहुत सवाल चलते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो एक माता पिता ही बच्चों के बेस्ट फ्रेंड बनकर सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, बल्कि माता पिता दोनों को अपनी बेटी को अवेयर करना चाहिए, पीरियड के बारे में बताना चाहिए। इस टाइप की ये गंदी बातें कि पीरियड नहीं आते तो आप किन्नर बन जाएंगे, बिल्कुल भी मत करिए ऐसी बातें किसी के सामने, और किसी को डराइए मत इस टाइप से
किन्नर भी भगवान होते हैं, अच्छे भगवान का रूप होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, इस तरीके की सोच उनके दिमाग में आप मत डालिए। तो आपको ये वीडियो समझ आ गई हो, वीडियो समझ आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।